यहाँ आजकल जो मीडिया में, जैसे वेस्टर्न मीडिया में, प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया जाता है या अमीर का मजाक उड़ाया जाता है, और अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान में भी आजकल ये चल रहा है कि प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया जाता है और कि पैरोडी की जाती है, तो इस्लाम में इसकी क्या लिमिट होती है? क्या इसमें क्या क्या पाकिस्तान क्या इस्लाम में क्या आप किसी प्रेसिडेंट का या मुल्क के अमीर का मजाक उड़ा सकते हैं जिस तरह से आजकल उड़ाया जाता है उसकी पैरोडी करके और उसकी लतीफे में बना के कार्टून बना के, तो इस तरह कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मुफ्ती साहब. हम जनरली अभी बात कर रहे थे मीडिया की आज़ादी की, हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने क्वेश्चन उठाया हमारे कॉलर ने कि क्या अपने अमीर का मजाक आप उड़ा सकते हैं इस तरह, उसकी पैरोडी करना, उसका कार्टून बनाना, उसका. बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सवाल किया है और हमेशा मेरे दिल में ये बात रहती है कि ये जो है इस तरीके से जो मजाक उड़ाया जाता है खास इस्लामी दुनिया के अंदर, क्योंकि इस्लामी दुनिया का जो अमीर है तो वो तो आपका अमीर है, और बल्कि हदीस में फरमाया कि भले वो पतली टांगों वाला हबशी ग़ुलाम भी आपका अमीर बन जाए तो आपको उसकी इताअत करनी है. तो गोया कि वज़ीर आज़म है या प्रेसिडेंट, वो आपका अमीर है, तो और अमीर की इताअत इस दर्जे में है कि आप उसके किसी हरफ हुक्म को जो इधर से उधर नहीं कर सकते, और आपको उसका मुती बन के रहना है, चाहे आप उसका मजाक बनाएं, उसकी पैलोडी बनाएं, इसकी तो कतन इजाज़त नहीं है. और इस्लाम में नुक्ता नज़र से मुस्तकिल कोई गुनाह है, या जो लोग इस चीज़ के अंदर मुबतला हैं और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल करें चीज़ें, उनको ये बात खबर नहीं है कि उनके नामा माल गुनाह लिखा जा रहा है, और मरने के बाद इसकी भी पूछ होगी कि आपने अपने मीर का मजाक क्यों उड़ाया. हाँ, अगर आप मुल्क से मोहब्बत करते हैं, आप जो कौम की बेहतरी चाहते हैं, आप मुस्बत अंदाज में एक तनकीद अपनी उसके ज़रिए से करें. और ये बात तो वक्त के वज़ीर आज़म ने, इमरान खान ने खुद अपने खिताब में भी कही कि आज का सोशल मीडिया है, मुझ तक आपको अप्रोच नहीं, कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया पे अपनी शिकायत को या रिकॉर्ड कर दें और वो मुझ तक पहुंच जाएगी. तो ये तो उस अमीर की कितनी वसत ज़र्फ़ी है, उसने आपको सोशल मीडिया के जरिए अपनी शिकायत या आप अपने रिकॉर्ड कराने को उसको कह दिया, आप मुस्बत अंदाज में अपनी शिकायत पहुँचाएँ, चाहे का उसका मजाक उड़ाएँ, तनकीद करें. तो मेरे जहन में हमेशा एक स्ट्रेटजी रहती है कि जब भी पाकिस्तान में कोई हुकूमत आए तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक हुक्म हमेशा जारी किया करे कि कोई हुकूमत जो नई आई है एक साल तक उसके किसी भी कॉल और फेल के ऊपर किसी किस्म की तनकीद ना की जाए और उसको करने दिया जाए, रिजल्ट का इंतज़ार किया जाए कि ये जो स्ट्रेटजी इसने बनाई है इसका रिजल्ट क्या आएगा. होता ही है कि हमारे तो पहले महीने से उसके खिलाफ काम शुरू हो जाता है, नतीजे के हालांकि वो सोचती है कि यार अभी करने तो दो काम, अभी रिजल्ट आएगा. अल्लाह ने भी ज़मीनों में फसलें उगती हैं, 6 महीने की फसल या साल की रखी है, साल के बाद रिजल्ट आएगा, पता चलेगा फसल होगी क्या नहीं, आप उसको कुछ टाइम तो दें. लेकिन होता ही है कि पहले दिन से उस पर तनकीद, उसका मजाक, उसका ड्रामा, पैलोडी और ये डबिंग शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में खुद गवर्नमेंट भी कन्फ्यूज़ हो जाती है. नतीजा कि असल जो मकसद था कि तामीर तरक्की और मुल्क को कौम की हो, वो सारा दगड़दू होकर वो इसी को काउंटर करने लगते हैं, एक दूसरे की दसों की रिबान. तो ये रवैया अच्छा नहीं है, इसका मतलब कौम जी अभी नाबालिग है ज़हनी तौर पर, इल्मी तौर पर, शौरी तौर पर, उसको बालिग नज़री के साथ आगे बढ़ना चाहिए और ये इस तरह के मजाक के बजाय मुस्बत और मुफीद राय देनी चाहिए. अगर मजाक इस तरह बनाएंगे तो इंदल्ला वो गुनाहगार होंगे और इसका गुनाह, और अगर काजी वक्त काजी इस्लाम हो और काजी इस्लाम का हाथ पड़ जाए तो काजी इस्लाम ताज़ीरन उन पर कोड़े भी मार सकता है. वैसे मुफ्ती साहब, पाकिस्तान में ज़ियाउल हक साहब ने एक काम बड़ा अच्छा किया था कि जेल वगैरह का तो जो सिलसिला था सो था, उन्होंने जब कोड़े मारने शुरू किए थे तो बहुत सारे जो है ना प्रॉब्लम वो हल हो गए थे. कोड़ों से लोग बहुत डरते हैं और स्पेशली सरेआम कोड़ों से. मेरा ख्याल है ये ताज़ीर नाफिज़ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है.